नमस्कार दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र में जो स्टेडियम वाला रोड है, आज वहाँ पे हम सुबह ग्रीन अर्थ एनजीओ की टीम पहुँची है और यहाँ पे पेड़ों की जड़ों को बिल्कुल पक्का किया हुआ है, तो उनको अभी हम कच्चा कर रहे हैं। तो ये देखो, इस तरीके से पूरा फुटपाथ पे इंटरलॉकिंग लगा के, टाइल्स लगा के पक्का किया हुआ है और ये देखो पूरा जड़ तक ये कंक्रीटाइज किया हुआ है। तो इसको अभी कच्चा करने के लिए हमारी टीम पहुँची है। तो क्योंकि इसमें जब पेड़ को हम जड़ों से पक्का कर देते हैं, उसमें ना पानी जा पाता है, ना हवा जा पाती है और पेड़ का जो तना वो पूरा पनपता नहीं और कुछ समय के बाद वो सूख जाता है। तो करो आप खुद, अब आप देखो कि किस तरीके से टोटली कंक्रीटाइज किया हुआ है इसको। ये सब कंक्रीट है जो निकाल रहे हैं अभी हम, ये टाइलें लगी हुई हैं और इसमें एनजीटी का भी ऑर्डर है कि किसी भी पेड़ के तने से कम 1 मीटर तक हमें चारों तरफ कच्चा रखना, ताकि उसमें हवा पानी जाता रहे। इसके बावजूद आप देखेंगे कि अधिकतर शहरों में इसी तरह से पेड़ों की जड़ों को पक्का किया हुआ है और सरकार तो करती है, हम लोग भी व्यक्तिगत तौर पर भी अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर भी इसी तरह से कर देते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम इस तरह का ना करें। देखिए, पेड़ को कंक्रीटाइज किया हुआ था, इसको अभी हमने कच्चा किया है इस तरीके से टाइलें निकाल कर। ये देखो, ये सब टाइलें लगी हुई थी, ये अभी निकाली है और ये इस तरीके से कच्चा। आप देखेंगे आपके पेड़ के नीचे देखो किस तरीके से कटा हुआ आ चुका है, और कुछ समय बाद ये इतना फुला हुआ आता है और ये अल्टीमेटली यहाँ कट हो जाता है पेड़, ये अल्टीमेटली सूख जाता है, आप देख रहे हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके एरिया में कहीं पर भी कोई पेड़ पक्का है नीचे से इस तरह से, तो उसको हम कच्चा करें ताकि वो सर्वाइव करता रहे, उसमें हवा पानी जाता रहे, उसका पूरा जो विकास है वो होता रहे। क्योंकि पेड़ लगाने से ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है नए पेड़ लगाना, लेकिन उससे पहले जो बने हुए पेड़ है, जो 20 साल के 30 साल के हैं, जो आज पूरी तरह से वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं और हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं पक्षियों को, जानवरों को, तो उसको प्रोटेक्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो आपके एरिया में कहीं पर भी ऐसे पेड़ है तो आप उनको कच्चा करें और अपने आसपास कहीं पर भी पेड़ों की जड़ों को पक्का ना करें। तो अब आप देख सकते हैं कितना मुश्किल होता है जब इसको हम डीकंक्रीटाइज करना होता है। देखिए आप, अच्छा होता है कि जिस टाइम पे ये फुटपाथ बनाया जा रहा था उसी टाइम पे 1-1 मीटर तक इसको कच्चा रखा जाता, तो पेड़ भी सर्वाइव करते और फुटपाथ का जो पर्पज था वो भी पूरा हो जाता। अब आप देखिए किस तरीके से ये कंक्रीटाइज पूरी तरह से किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सेंसिटिविटी की बात है या फिर इन्फॉर्मेशन की बात है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है किस तरह से कंक्रीटाइज नहीं करना चाहिए। और देखिए आप, और सेंसिटिविटी की जहाँ तक बात है, ऑक्सीजन सभी को चाहिए, लेकिन पेड़ों को इस तरीके से, जो बड़े बनाए पेड़ है जो किसी ने लगाए थे, उनको हम इस तरीके से मरने पे छोड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके क्षेत्र में कहीं पर भी पेड़ों इस तरह से पक्के हैं तो उनको कच्चा करें। और इसमें मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि इसमें एनजीटी के भी ऑर्डर्स हैं कि किसी भी पेड़ के तने से कम 1 मीटर तक कच्चा ज़रूर रखें। ये आप देखें किस तरीके से हालत है। तो ये हमारे साथी हैं सब, इनको अच्छा लगा कि ये पेड़ों को कच्चा करना चाहिए, ये भी सहयोग कर रहे हैं टीम का। तो धन्यवाद दोस्तों।